इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विमल कुमार दोषी अध्यापक, श्रीमती चेतना, दृष्टि, यशस, साइंटिस्ट इसरो, समस्त दोषी परिवार, बागीदोरा जिला, बांसवाड़ा, राजस्थान, श्रीमती लक्ष्मी देवी प्रतिमाधारी, श्री दीपक कुमार दोषी अध्यापक, श्रीमती अनीशा LIC अभिकर्ता, आर्या, समस्त दोषी परिवार, बागीदोरा जिला, बांसवाड़ा, राजस्थान, जोधावत श्री अजित कुमार, श्री नयनेश कुमार, श्रीमती आंचल, श्री तरुण कुमार, श्रीमती मोंटी, हित, पार्श्व, विवान, समस्त जोधावत परिवार, फर्म नवकार एंटरप्राइजेस, घाटोल जिला, बांसवाड़ा, राजस्थान। भक्ति का अनुष्ठान चल रहा है, सभी लोग लाभान्वित हो रहे हैं, बड़े पुण्यशाली होते हैं, भाग्यशाली होते हैं। सौभाग्यशाली व्यक्ति वही होते हैं जो अपने इन क्षणों का उपयोग भगवान की भक्ति में करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो मन में विचार तो करते हैं, सोचते हैं कि हमें जाना है, शामिल होना है, लेकिन उनका पुण्य प्रबल नहीं होता है, वह शामिल नहीं हो पाते हैं। इसलिए अपने आप को सौभाग्यशाली समझना चाहिए। जब भी आपको ऐसे अवसर मिलते हों पुण्य बढ़ाने के, तो इन अवसरों का लाभ जरूर उठाना चाहिए। पंचकल्याणक महोत्सव के प्रमुख पात्रों का चयन हुआ, कुछ पात्र रह गए, क्योंकि लोग सोचते हैं कि बाद में बन जाएंगे, लेकिन जब महोत्सव होता है और नीचे बैठकर देखते हैं और कुछ हमारे बीच से लोग जो ऊपर बैठे हैं, तो हमें मन में विकल्प तो आता ही है। क्यों आता है? क्योंकि जिन्होंने इन अवसर का लाभ ले लिया वही पुण्यशाली कहलाते हैं। दुनिया में कितने सारे ऐसे लोग हैं जो मन में विचार तो करते रहते हैं लेकिन प्रयास नहीं करते। यदि आपको मकान बनाना हो तो कितनी सारी मेहनत लगती है, जीरो से लेके, नींव से लेके ऊपर तक मकान बनाने में टाइम भी लगता है, धन भी लगता है और अपना समय भी लगता है। और मन जब बिल्डिंग को गिराना हो तो अच्छा बताओ, व्यक्ति को चढ़ने में ज़्यादा मेहनत होती है कि गिरने में? कोई बिल्डिंग से कभी गिर जाता है अचानक तो नीचे जल्दी आ जाता है, और चढ़ने में स्लो ड्राइव लॉन्ग लाइफ, धीरे धीरे चलो। ऐसे ही धार्मिक क्रियाओं में सबसे ज़्यादा लोगों को विकल्प आते हैं। अभी आप कोई व्यापार का काम हो, शादी विवाह हो, उधर जाना हो तो उधर ज़्यादा नहीं करना पड़ती मेहनत, लेकिन अगर कोई धार्मिक अनुष्ठान है उसमें लोगों को बुलाना हो तो कई बार बोलना पड़ता है, और लोग ये सोचते हम नहीं जाएंगे तो क्या कुछ बिगड़ने वाला है। लेकिन यह जो महा अनुष्ठान होना है, महावेदी प्रतिष्ठा होना है, महापंचकल्याणक होना है, ये कई वर्षों बाद अवसर आ रहा है। अन्य स्थानों पर जाकर आप देखते होंगे, एक दिन चले जाते होंगे, लेकिन जब अपने ही नगर में ऐसा महामहोत्सव हो रहा हो, देखो अपन ने साक्षात पंचकल्याणक तो कभी देखे होंगे लेकिन याद नहीं है अपन को, लेकिन वर्तमान में पाषाण से परमात्मा की जो यात्रा होती है, आत्मा से परमात्मा बनने का जो अनुष्ठान है, वह यही अनुष्ठान है कि इसके माध्यम से भगवान कैसे बनते हम साक्षात देख पाते हैं। इसलिए पाप के आयोजन तो दुनिया में सब लोग करते रहते हैं, लेकिन पुण्य के, पहले के लोगों का इतना पुण्य नहीं रहता था लेकिन विशुद्धि रहती थी, कभी कभार होते थे तो अलग ही आनंद होता था। लेकिन अब हर नगर में, हर गांव में और हर वर्ष और एक नगर में कई कई होने लगे हैं, इसके कारण से लोगों का उत्साह उतना नहीं रहता है। लेकिन ये सब धार्मिक क्रियाएं बड़ी पुण्य से मिलती हैं, और पुण्य का, पुण्य में अगर हम उपयोग करते हैं तो हमारा जैसे धन बढ़ता जाता है ऐसे ही हमारा पुण्य बढ़ता जाता है। और पुण्य फला अर्हंता, यानी जो अर्हंत पद है वह पुण्य का ही फल है। इसलिए कंजूसी नहीं करना है, बड़ी अच्छी भावना से हमें बस जितनी हमारी क्षमता है, जम सक गई तम की रही, जैसे महाराज जी उपवास करते हैं अष्टानिका में, 8 उपवास लगातार, निर्जल उपवास किए, 6 भी किए, 5, 4, 3, 2, 1, तो अपनी क्षमता से करते हैं। इसी प्रकार से सावकों ने भी 16 किए, किसी ने 10 किए, अपनी अपनी अनुकूलता और क्षमता के अनुसार। तो क्षमता को ऐसे ही, दान की क्षमता को अगर छिपाते हैं
देखो अपन जो व्यापार आदि करते हैं या जो भी जिसकी आजीविका है, कोई सर्विस आदि करता है, उससे जो धन आता है कई बार झूठ भी बोलना पड़ता है। और आत्मानुशासन में लिखा है कि जब भी धन आता है तो जैसे बाढ़ में जब पानी आता है तो कहाँ से आता है, गंदा पानी आता है ना, बाढ़ के माध्यम से इकट्ठा होता है। ऐसे ही धन भी जब आता है तो ऐसे ही आता है। कोई भी जो धन कमाता है 99% देख लो, 90% तक तो देख सकते हैं कि ईमानदारी से तो बहुत ही कम लोग हैं जो कमाते होंगे, चाहे व्यापार की बात हो, चाहे सर्विस की हो, चाहे जिनका जो भी है, ये तो सब कुछ बोलना पड़ता है लोगों, उसी का तो ये प्रायश्चित होता है दान। और दान बनाता है भगवान और दान बनाता है महान, क्योंकि दान के ही माध्यम से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, इतनी विशुद्धि होती है, उसी के माध्यम से पूरी दुनिया में प्रसिद्धि फैलती है। जितने लोग दान देते हैं तो सब लोग उसका सम्मान करते हैं। और सामान्य व्यक्ति हो, किसी की किसी से बुराई भी चल रही, ऐसा भी लिखा है कि दान के माध्यम से शत्रुता का नाश भी हो जाता है। इसलिए कभी चूकना नहीं चाहिए, जो मौके मिलते हैं बड़े पुण्य के उदय से मिलते हैं, ऐसा नहीं सोचना कि आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा। कई लोग सोचते हैं कि हमें प्रतिमा विराजमान करना है और कमेटी के लोग स्वीकृति नहीं देते हैं, या ऐसा वैसे जैसी उनकी भावना होती है वैसा अवसर प्राप्त नहीं हो पाता, क्योंकि बड़े पुण्यशाली व्यक्ति होते हैं। जिस प्रकार से जो देव हैं वो ऊपर से आते हैं और चले जाते हैं, इसी प्रकार से ऐसे अवसर बड़े भाग्यशाली व्यक्तियों को ही प्राप्त हो पाते हैं। जिनका पुण्य होता है वही ऐसे अवसर का लाभ उठा पाते हैं। तो इस प्रकार से चर्चा चल रही थी कि हम किस प्रकार से भक्ति करें कि जिससे हमारा पुण्य बढ़ता जाए। तो आज जो अनुष्ठान है वह भक्ति का ही अनुष्ठान है, उसी के माध्यम से हमारी विशुद्धि बढ़ती है और हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो इस प्रकार से अष्टानिका पर्व में जो पद्म पुराण में उल्लेख आया है कि कोई रंगोली डाल रहा था रत्नमयी, कोई झालर आदि जो भी ऐसे श्रृंगार आदि किया जाता है नगर का, पूरे नगर को सजाया जाता था, ऐसा पद्म पुराण ग्रंथ में उल्लेख आता है। यानी देवलोग भी अभिषेक आदि करने, पूजन आदि करने जाते हैं, क्योंकि भगवान को हम क्या दे सकते हैं, भगवान तो वीतरागी हैं, कमल पर बैठे दिखाई देते हैं भगवान, लेकिन चार अंगुल ऊपर रहते हैं भगवान को। भगवान ने तो समस्त परिग्रह त्याग किया तभी तो वह उच्च आसन पर विराजमान हुए। भगवान को कोई वस्तु की, व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारा पुण्य बढ़ाने के लिए भगवान निमित्त हैं। जिस प्रकार से महिलाएं जब अभिषेक देखती हैं उनके अंदर विशुद्धि बढ़ती है, कि ऐसे ही हम भी भविष्य में अभिषेक करें, उनका पुण्य बढ़ता चला जाता है। पुरुष वर्ग को अभिषेक मिलता है तो उनको इतना महत्व नहीं देता, बहुत कम लोग होते हैं जिनको महत्व, कई लोग हैं अभिषेक ही नहीं करते हैं, उनको मिलता है। और महिलाओं को जिनवाणी की अच्छे से व्यवस्था करना चाहिए तो महिलाएं वो नहीं करती हैं, कई बार मनाना पड़ता है कि महिला जो मिल रहा है उसमें आदमी को संतुष्टि नहीं होती है, जो नहीं मिलता है उसकी कीमत होती है। कई ऐसे गांव नगर शहर होते हैं जहां पर मुनिराज जाते ही नहीं है, रुकते ही नहीं, कम घर रहते हैं तो उनको लाभ नहीं मिलता, ना चतुर्मास का, ना ग्रीष्मकालीन अब प्रवास, ना शीतकालीन प्रवास। लेकिन कई नगर ऐसे हैं जिनको खूब मिलता रहता है, उनको कीमत नहीं रहती। भूखे व्यक्ति को कुछ भी खिलाओगे तो वो अच्छे से खा लेगा, और जिसका अच्छे अच्छे व्यंजन करके अच्छा पेट भर गया उसको तुम सामने दिखाओगे तो वो मुंह ऐसा करेगा क्योंकि उसका पेट भरा हुआ। इसलिए ऐसे लोग जिनको अवसर प्राप्त नहीं होते तो वो इंतजार में रहते हैं कि कब ऐसा अवसर आए और हम बस वह लाभ ले लें। इसलिए बड़े सौभाग्यशाली व्यक्ति होते हैं जिनको साधुओं के दर्शन मिलते रहते हैं, जिनको साधुओं का समागम, उनके माध्यम से स्वाध्याय, आहार दान और भी जो अनुष्ठान आदि का लाभ मिलता है, बड़े सौभाग्य से मिलता है। कई लोग हैं हम देखते हैं कि दूर दूर तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं, लेकिन जब करीब रहते हैं, पास में रहते हैं, तब तक वो समझ नहीं पाते उसका महत्व। और कई बार तो रिश्तेदारी के चक्कर में आ जाते हैं कई लोग कि अब हमारे ये कुटुंब के हैं, परिवार के हैं, रिश्तेदारी है तो जाना है, मजबूरी में जाना है। ऐसा कभी बिल्कुल नहीं सोचना। अपन जो भी धार्मिक क्रियाएं करें, कभी भी कोई मंदिर नहीं जाता है तो उसके लिए अपन प्रयास करें, समझाएं उसको,
लेकिन कभी कभी ज्यादा प्रयास करने से भी वह जित पे अड़ा रहता तो नहीं जाता। उसको अंदर ऐसी भावना प्रकट करे कि वो अपने अंदर की भावना के माध्यम से ही मंदिर जाए, धार्मिक क्रियाएं करें, तभी उसको पुण्य का अर्जन होता। नहीं तो कई लोग जबरदस्ती करते रहते, फिर भी कई लोग हैं नहीं जाते, क्योंकि उनका इतना पुण्य नहीं होता है। लेकिन पुण्य प्रबल करने के लिए तो हमें ये सब प्रसाद ही करने होते हैं। तो जिनन भक्ति ही समस्त पापों को नष्ट करने वाली होती है और साथ ही से पुण्य का बंध कराने वाली एवं परंपरा से मुक्ति प्रदान करने वाली होती है। तो भक्ति और स्तुति प्रभु परमात्मा से मिलाने में व आत्मा से साक्षात्कार, साक्षात्कार किसको बोलते हैं, इंटरव्यू होता है ना, जैसे इसी को साक्षात्कार कराने में श्रेष्ठतम साधन है। भगवान कुछ नहीं देते हैं, लेकिन भगवान के माध्यम से जैसे अपन आईना देखते हैं, दर्पण, दर्पण को देख के अपनी गंदगी दूर करते हैं, इसी प्रकार से भगवान किसी का कुछ नहीं करते हैं, लेकिन भगवान के निमित्त से हम उनकी भक्ति करते हैं तो हमारा पुण्य बढ़ता चला जाता है और हमें वो प्राप्त हो जाता है जिसके लिए हम कई बार प्रसाद करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन नहीं हो पाता है। लेकिन भगवान की भक्ति से ऐसे अतिशय चमत्कार होते हैं। एक व्यक्ति था, उसका आईएएस कलेक्टर रहता ना, उसका इंटरव्यू चल रहा था और उसके पिता जो थे कुंडलपुर में बड़े बाबा के यहाँ जाप दे रहे थे और उसी समय उसका इंटरव्यू हो रहा था, उसका सिलेक्शन हुआ और 24वीं रैंक आई उसकी और आज वो कलेक्टर से भी ऊंचे जो पद रहता है, पोस्ट रहती उस पर है। तो देखो, उसने प्रसाद किया, आचार्य श्री का आशीर्वाद लिया और भगवान की भक्ति भी की, तो उसके माध्यम से इतना अच्छा पद मिल गया। तो देखो, लौकिक कार्यों के लिए तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होंगे कि जो ये सोचें कि हमारे आचार्य भगवान स्वस्थ रहें उसके लिए हम पार्श्वनाथ भगवान की जाप करें, या हमारा पंच कल्याणक निर्विघ्न संपन्न हो, हमारे वासुपूज्य भगवान उच्च वेदी पर विराजमान हो, ऐसी भावना से जो करते हैं उसका एक पुण्य अलग ही इकट्ठा होता चला जाता है। तो अपने स्वार्थ के लिए तो सभी दुनिया के लोग काम करते हैं, लेकिन जो निस्वार्थ भावना से काम करता है कि हमारा यह आयोजन अच्छे से हो और सब निरोगी रहें, सभी जीव निरोगी रहें दुनिया में जितने हैं, इसी से तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। जैसे आचार्य भगवान करते रहते हैं, हमेशा यही सोचते हैं कि सबको औषधि प्राप्त हो, सबको पूर्ण आयु प्राप्त हो, जन जन के कल्याण के लिए जो भावना भाई जाती है उसी से ही तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। और आचार्य भगवान तो हमेशा बस जनहित में हमेशा कार्य करते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं। उनके अंदर देखो इतनी कैपेसिटी नहीं है, उनके शरीर में क्षमता नहीं है, पहले की अलग बात थी, तो भी वो लगातार के हमारे जो जीवंत तीर्थ हैं उनका कैसे रक्षण हो, कैसे हमारा नया तीर्थ बने जिससे हजारों साल तक यहाँ पर लोग पूजन अर्चन करते रहें और जैन धर्म की पताका फहराते रहें। इसीलिए तो वो पंचकल्याणक के लिए निमित्त से बिहार करते चले जाते हैं और चतुर्मास करते हैं। भले ही उन्हें तो मालूम है कि हमारे प्रवास से, यहाँ रहने से ऊर्जा आएगी और वह सबके कल्याण के लिए, और उनको मालूम है कि जो पाषाण का मंदिर है इसकी लगभग 2000 वर्ष उम्र होती है और जो पाषाण का मंदिर बनवाता है लिखा है कि अनंत गुना पुण्य मिलता है। सामान्य मंदिर बनाने में तो पुण्य का अर्जन होता ही, लेकिन जो पाषाण का होता है उसको अनंत गुना, यानी इससे अनंत से बड़ी कोई सीमा होती नहीं है पुण्य की, सबसे ज्यादा पुण्य लिखा है। इसलिए लोग पाषाण के मंदिर बनवाते हैं। क्यों बनवाते हैं कि आचार्य भगवान कहते हैं कि आगे आने वाली पीढ़ी, जो युवा पीढ़ी है, वो मंदिर नहीं बनवाएगी, वो क्या करेगी, 6 मोबाइल खरीदेगी, मकान, दुकान, कार और भी जो ऐसी वस्तुएं हैं उनको, तो लौकिक वस्तुओं को खरीदेगी लेकिन मंदिर नहीं बनाएगी। इसलिए उन्होंने, चाहे बड़े बाबा का हो, चाहे अमरकंटक, और भी जितने ऐसे पाषाण के मंदिर जो बन चुके हैं, कुछ बन रहे हैं, इसलिए कि उनको मालूम है कि हमारी उम्र कितनी है। वर्तमान में 60 से ज्यादा नहीं होती, हाईएस्ट 120 वर्ष से किसी की उम्र हो ही नहीं सकती, ग्रंथों में जो लिखा है 120 हाईएस्ट, तो 120 तो कोई जी नहीं सकता है, कोई 100 साल में अभी वर्तमान में होंगे और भी ज्यादा होंगे, लेकिन 60 साल एवरेज उम्र आज की है। किसी को कब क्या बीमारी हो जाए,
सुनते हैं वो अभी जीवित था और सुन लेते हैं थोड़े में ही खबर आ जाती है कि उसका मरण हो गया। इसलिए तो वन बारह भावना बैराग भावना के माध्यम से यह चिंतन करते हैं। तो लिखा है कि हे भगवान, आपका स्तुवन तो दूर रहे, आपके गुणों की कथा भी भव्य जीवों के पापों को नष्ट करने वाली होती है। इसलिए भगवान की भक्ति कभी भी अच्छा ही करने वाली होती है, बुरा करने वाली नहीं होती है। जिनने भी भक्ति किए उसी के माध्यम से अच्छे और चमत्कार हुए हैं। बिना भक्ति के आज तक कोई ऐसा काम नहीं हुआ है। आचार्य भगवान ने भी बड़े बाबा की भक्ति की थी तो बड़े बाबा अपने पुराने आसन से नवीन आसन पर विराजमान हुए थे। उनने पड़गाहन किया था बड़े बाबा का और पड़गाहन करके उच्चासन दिया था और उनकी भक्ति के माध्यम से ही इतना विशाल बड़ा मंदिर आज देखने को मिलता है। मैं ये उनकी भावना रही कि एक ही मात्र ऐसे आचार्य हुए हैं वर्तमान में कि जिन्होंने इतने सारे तीर्थों का जीर्णोद्धार करवाया, उसके साथ साथ नवीन मंदिरों का भी निर्माण उनके निमित्त से हुआ है। लोग कहते हैं कि बस आचार्य ऋषि को हम देखते हैं तो बस भाव हो जाते हैं, किसी को दीक्षा लेने के, किसी को ब्रह्मचर्य व्रत लेने के और किसी को त्याग करने के। आचार्य भगवान कभी नहीं कहते। हमने तो अभी तक आचार्य भगवान के इतने सारे प्रवचन सुने, उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा। हम लोग फिर भी बहुत सारी ऐसी प्रेरणाएं देते रहते हैं, बताते रहते हैं, लेकिन आचार्य भगवान का पुण्य इतना जबरदस्त है कि लोग बस लुटाते चले जाते हैं। तेरे दर पे लुटा दी हैं सब तमन्नाएं, लोग कहते हैं खुद को मिटा बैठे हैं। तो जिनेन्द्र भगवान के नाम स्मरण करने मात्र से समस्त विघ्नों का नाश होता है, कोई भय नहीं होता है और बाहरी शक्तियां कभी उपद्रव नहीं कर सकती, अच्छे पदार्थों की प्राप्ति होती है। धवला पुस्तक में ऐसा उल्लेख आया है। तो अपन भगवान की बस भक्ति ही करते रहें, फिर कोई बात की चिंता की बात भी नहीं और डरने की बात नहीं। अगर तुम भगवान से रिश्ता जोड़ लोगे, लोग क्या करते हैं अपने पति से, परिवार से और अन्य लोगों से रिश्तेदारी जोड़ते रहते हैं और पड़ोसी से, मित्रों से सबसे अच्छे अच्छे संबंध जोड़ते रहते हैं, लेकिन भगवान से एक बार, अगर भगवान को एक बार श्रीफल चढ़ा के निवेदन करना, भगवान आज से लेकर जब तक मेरी अंतिम श्वास है बस मुझे एक विश्वास है कि आप ही मेरे हैं, बाकी तो सब रिश्ते हैं वो रिश्ते रहते हैं, उनमें कड़वाहट आ जाती है, आप ही मेरे सही रिश्तेदार हैं। एक बार भगवान को रिश्तेदार बना के तो देख लो, फिर देखना तुम्हारे ऊपर जब भी मुसीबत आएगी भगवान आपकी रक्षा करेंगे। इसलिए लोग प्रतिमाएं विराजमान सबसे ज्यादा क्यों करते हैं, इसका हमने एक कारण सोचा कि इससे क्या होता है, अपनी प्रशस्ति में अपना नाम लिखा होता है, तो जब भी हमें विघ्न बाधा आती है तो वो हमारी, जैसे शांति धारा में नाम बोला जाता है उसी प्रकार से भगवान से संबंध हमारा जुड़ जाता है। इसलिए लोग पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोग अगर हैं तो बस एक लोगों की भावना सबसे ज्यादा होती है, हमें प्रतिमा विराजमान करना है। प्रतिमा विराजमान करने से हमारा संबंध भगवान से जुड़ जाता है और भगवान जब भी हमारे ऊपर कष्ट आता है, अगर तीव्र कर्म का होता है तो बात अलग है, नहीं तो भगवान किसी न किसी रूप में हमारा भाई पुण्य जो हमने भगवान को विराजमान किया था उनसे हमारा संबंध स्थापित हो जाता है और भगवान रक्षा करते हैं। तो इसी प्रकार से आपको जीर्णोद्धार करके उस मंदिर को ऐसा मंदिर बनाना है कि पूरी दुनिया के लोग देखने आए, भले ही हम जितनी हमारी क्षमता है उसके अनुसार हम बनाएंगे, लेकिन भावना तो भाव है। जिस प्रकार से पिच्छी परिवर्तन होता है, सब लोग देखते हैं अरे इनको पिच्छी मिल रही है, पुरानी पिच्छी जिसको मिलती है वो तो खुश होता है, बाकी लोग दुखी होते हैं क्योंकि उन्हें दुख होता है कि, तो जिसने नियम लिए, संयम लिया, उसी को पिच्छी का मिलती है। इसी प्रकार से जो पात्र बन जाते हैं और उनको सब क्रियाएं भगवान की करीब से देखने को मिलती हैं। दुनिया ने अपने बच्चे की शादी की होगी, अपने बच्चे का जन्मदिन मनाया होगा, अपनी मैरिज एनिवर्सरी मनाई होगी, लेकिन दुनिया में वही सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति होता है जो भगवान के पंच कल्याणक में शामिल होता है और पास से क्रियाएं देखने को जिसको मिलती हैं कि देखो गर्भ से लेके मोक्ष तक की यात्रा जो 6 दिन में होगी वह कैसे देखो भगवान बन गए। ये भगवान बनते देखने का एक सुअवसर है, इससे बड़ा अवसर दुनिया में कोई होता ही नहीं है कि हम साक्षात अपनी आंखों से और अपने हाथों से वो क्रियाएं हमें करने को मिलेंगी और हमारी पूरा शरीर का रोम रोम धन्य हो जाएगा, पुलकित हो जाएगा। तो आप इन अवसरों पर चूक मत जाना, नहीं तो पछताओगे। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्या सागर जी महामुनि राज की
कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री विमल कुमार दोषी अध्यापक, श्रीमती चेतना, दृष्टि, यशस, साइंटिस्ट इसरो, समस्त दोषी परिवार, बागीदोरा जिला, बांसवाड़ा, राजस्थान, श्रीमती लक्ष्मी देवी प्रतिमाधारी, श्री दीपक कुमार दोषी अध्यापक, श्रीमती अनिशा LIC अभिकर्ता, आर्या, समस्त दोषी परिवार, बागीदोरा, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान, जोधावत श्री अजित कुमार, श्री नयनेश कुमार, श्रीमती आंचल, श्री तरुण कुमार, श्रीमती मोंटी, हित, पार्श्व, विवान, समस्त जोधावत परिवार, फर्म नवकार इंटरप्राइजेस, घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान।